हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम नितेश और आप देख रहे हैं टेकन जिम चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ हाईटेक स्मार्ट वॉच की। आप भी एक स्मार्ट वॉच परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो कम्प्लीटली देख लेना। इस वीडियो में मैं स्मार्ट वॉच की रिगार्डिंग काफी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखना। इसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से मिल जाती है। पीछे की साइड में मेंशन किया गया है कुछ स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले हमें दिया गया है एक यूजर गाइड मैनुअल। उसके अलावा हमें वॉच मिल जाती है और यहाँ पे चार्जिंग के लिए एक केबल प्रोवाइड किया गया है। वॉच की डिजाइन है तो आपको स्क्वायर साइज में मिल जाएगी। मटेरियल जो यूज किया गया है तो मेटल यूज किया गया है। बाकी यहाँ भी जैसे कि आप बटन भी देखेंगे तो उसमें भी आपको मेटल ही यूज किया। डिजाइन में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में काफी प्रीमियम से लगी। यहाँ पे जो डिस्प्ले आईपीएस एलसीडी पैनल यूज किए गए हैं, पोर्ट से काफी इजीली वर्क करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साइड में आप स्पीकर भी दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड दो स्पीकर प्रोवाइड किए गए हैं जिसे आप वॉच के थ्रू आप कॉल से बात भी इनडायरेक्टली कर पाएंगे। IP67 की वाटर रेसिस्टेंट मिल जाती है जो आपको वॉच को बेटर प्रोटेक्शन भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अपने हैंड्स में वियर करिए, मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, वॉच के स्ट्रैप भी निकल नहीं जाते। बाकी के इस प्राइस की रेंज की जो स्मार्ट वॉच है अक्सर यहाँ पे प्रॉब्लम आती रहे, स्टर्डी सी ग्रिप मिल जाती है। आप अपने हाथ में वियर करिए वॉच को, एक प्रीमियम सी यहाँ पे लुक देती है। वॉच के ओएस की बात करूँ तो भाई एप्पल वॉच है, वॉच ओएस है तो सेम दी गई। ब्लूटूथ कॉलिंग यहाँ पे आईफोन के साथ वर्क नहीं करता। यहाँ पे यूआई इतनी स्मूथ भी नहीं कर, काफी बार यहाँ पे बग्स आते रहे, टच प्रॉब्लम आते रहते हैं। आपको कनेक्ट करने के लिए वॉच में आपको वियर फ्री प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड एंड्रॉइड और आईफोन के लिए। तो यहाँ पे ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे वॉच फेसेस मिल जाएंगे। डिफर आपको वॉच को अपडेट करना है तो उसमें आपको फर्मवेयर अपडेट भी आते रहते हैं। तो सारे हो गए वॉच के ओवरऑल स्पेसिफिकेशन। वॉच को टेस्ट करते हैं, जो फंक्शन दिया पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग दिया गया, SpO2 दिया गया, रियल में यहाँ पे वर्क करते हैं वॉचेस की तरफ है। फिर टेस्ट करना अपने हैंड्स में भी है। तो सबसे पहले मैं हार्ट रेट मॉनिटरिंग करवाता हूँ तो देखते हैं कि यहाँ पे कितनी एक्यूरेटली शो करता है कि नहीं करता है। तो एक नंबर यहाँ पे फिगर करके नहीं बता रही है, कभी यहाँ पे 70 बताती है तो कभी 68। तो दोस्तों, इस प्राइस रेंज की जो सारी स्मार्ट वॉच होती है तो इसके जो सेंसर प्रीमियम नहीं होते बाकी की स्मार्ट वॉच की तरह। तो इसको मैं प्रूव करने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये वॉच है तो मैंने इसको सिंपली बोतल के साथ यहाँ पे पेयर कर लिया, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो जो वॉच है तो बोतल के साथ भी यहाँ पे हार्ट रेट मेजरिंग कर रही है। सैमसंग, एप्पल या वन प्लस की कोई स्मार्ट वॉच परचेस करते हैं, अपने हैंड्स के सिवा आप किसी भी फंक्शन, SpO2 हो गया, हार्ट रेट मॉनिटरिंग हो गया, तो किसी को भी आप यूज कर, जो उसमें सेंसर होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं अगर आप वॉच को हैंड्स के साथ वियर करिए या किसी ऑब्जेक्ट के साथ। तो यही दिखाना चाहिए, 2000 से लेकर 5000 के तक कोई भी स्मार्ट वॉच उठा के देख लीजिए, फंक्शन प्रॉपरली वर्क ही नहीं करता। आपके पास भी कोई स्मार्ट वॉच है तो आप एक बार से जरूर से ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करना। जब कोई भी स्मार्ट वॉच लेते हैं तो दो ही फोन प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो कोई स्मार्ट वॉच में यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग दिया जाता है तो वो प्रॉपरली वर्क करता है, बाकी आपकी एप्स के नोटिफिकेशन आते हैं तो उसको आप सीन कर पाएंगे। यहाँ पे जो SpO2 हो गया, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, किसी भी ब्रांड की स्मार्ट वॉच यहाँ पे एक्यूरेटली शो नहीं। जो सैमसंग एप्पल की जो स्मार्ट वॉच होती है तो उतनी महंगी होती है। टेम्परेचर सेंसर हो गया, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर हो गया, आप एक्यूरेटली वर्क करते हैं। जो यहाँ पे जो 5000 वाले स्मार्ट वॉच बस एक यूजर को दिखाने के लिए, इस स्मार्ट वॉच की जो SpO2 और यहाँ पे हार्ट रेट के अलावा इस वॉच के जो सारे फंक्शन प्रॉपरली वर्क करते हैं। इसमें आपको एक बेटर डिजाइन मिल जाती है, बेटर बिल्ड क्वालिटी दी गई है, IP67 की वाटर रेसिस्टेंट भी दी गई है, स्टेप काउंटर है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। स्मार्ट वॉच लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें जो दो फंक्शन हो गए कभी भी वर्क ही नहीं करते। कोई स्मार्ट वॉच ही लेने आपको फर्क नहीं पड़ता कि स्पेसिफिकेशन वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आप ले सकते हैं। वीडियो बनाने का मेरा यही था, आपको 5K स्मार्ट वॉच होती है तो उस सेंसर दिए कि यूजफुल होते हैं कि नहीं, वो आपको दिखाना नहीं चाहता था। यहाँ पे एप्पल की यहाँ पे फेक स्मार्ट वॉच ट्राई की थी, बाकी यहाँ पे फायर बोल्ट की स्मार्ट वॉच ट्राई की, वो भी वीडियो आप देख सकते हो, बोतल के हार्ट रेट शो करती है। बाकी मुझे 2400 रुपए की पड़ी थी। यहाँ एक्टिविटी के फंक्शन है वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। यहाँ स्क्रीन है वो भी यहाँ पे ठीक ठाक है, बैटरी बैकअप है वो भी आपको 2.5 दिन का मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो 2400 रुपए की कोई भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं, हेड मॉनिटर है SpO2 होगा, फिर बोतल के साथ भी यहाँ पे मेजर करके देखा जाता है। जब स्मार्ट वॉच है तो फायर फोन की है या किसी भी नॉइस की भी है, तो सारे जो स्मार्ट वॉच मैंने ट्राई किए उस बोतल के साथ भी एक्यूरेटली भी भाई प्रॉपरली वर्क करते हैं। प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसके बाद हमें जो सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में पता चलता है तो फिर काफी यहाँ पे एक रिग्रेट होता है इससे। तो इसलिए मैं ऐसे यहाँ प्रोडक्ट के वीडियो चैनल पे लाता रहता हूँ, जितना हो सके उतना आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। अपनी ये वीडियो है फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल पर अक्सर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी स्मार्ट वॉच आप के साथ करती है कि नहीं करती है, तो नीचे कमेंट करके जरूर से अपना ओपिनियन शेयर करना। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स ऐसी वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।